फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्याम मेटेलिक्स के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, फिर से देखिए, आईपीओ का सीज़न आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा, नए नए आईपीओ आते जाएंगे। और दोस्तों, इसी बीच कल यानी मंडे को आपको अब एक नया आईपीओ आता हुआ नज़र आएगा जिसका नाम है श्याम मेटेलिक्स आईपीओ। यह आईपीओ देखिए मंडे को खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्याम मेटेलिक्स आईपीओ कैसा है, क्या यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, एस नेम सजेस्ट, श्याम मेटेलिक्स मेटल कंपनी है। और आप देखेंगे मेटल कंपनीज़ में पहले काफ़ी बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। कल के सेशन में भी देखिए मेटल इंडेक्स ने काफ़ी बढ़िया किया था। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या कंपनी करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, चलिए उस पर एक बार हम नज़र डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, श्याम मेटेलिक्स एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। अब अगर हम इस आईपीओ की डिटेल देखें तो सबसे पहले दोस्तों हमको देखना होगा कि कंपनी कब चालू हुई। देखिए, कंपनी 2002 में आपको चालू होती हुई नज़र आई थी। और इंडिया की देखिए लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनीज में से एक है। और कंपनी दोस्तों जो सबसे बड़ा काम करती है वो करती है दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना, जो आयरन पैलेट्स हो गए, स्पॉन्ज आयरन हो गए, स्टील बिलेट्स हो गए, TMT स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स हो गए। तो कंपनी मेटल का काम करती है और देखिए वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। और आप देखेंगे ये अपने इंडस्ट्री में करीबन फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। सबसे बड़ी बात आप समझ के चलिए, चौथी सबसे बड़ी देखिए कंपनी है अपने इंडस्ट्री के अंदर, मेटल इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है ये स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम कंपनी की बात करें तो देखिए, कंपनी अपने इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को, एंड यूज़र्स को देखिए यहाँ पे सर्विस देती है। और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, रिमझिम इस्पात लिमिटेड आर सम ऑफ इट्स डोमेस्टिक क्लाइंट्स। तो देखिए, जिंदल स्टेनलेस आपको पता है देखिए काफ़ी बढ़िया कंपनी, अपने स्टॉक मार्केट में भी देखिए लिस्टेड है, ये उनके देखिए क्लाइंट्स में से एक है ये। और आपको देखने को मिलेगा कंपनी करीबन 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स में काम करती है और 13 स्टेट्स और एक यूनियन टेरेटरी में देखिए कंपनी का बिजनेस आपको फैला हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी का काम भी बढ़िया है, काफ़ी कंपनी बढ़िया करती हुई नज़र भी आ रही है। अगर हम और आगे देखें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए कंपनी लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी की देखिए इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर में लीडिंग करती है, ये लीडर है। पर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विद अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, यहाँ पे देखिए हाईलाइट है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो इनका दोस्तों पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, यानी अलग अलग देखिए वेरीज में ये इन्होंने अपना काम फैला रखा है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, देखिए सबसे बड़ा जो हमको जिससे भी काम है वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कर रही है लगातार यहाँ पे दे रखा है कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी के। अब कंपनी के प्रमोटर्स दोस्तों यहाँ पे महावीर प्रसाद अग्रवाल, ब्रिज भूषण अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल, तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और जो कंपनी देखिए वो चलाते हैं वो डेफिनेटली बेहतरीन है। और डोराइट ट्रैक एंड प्राइवेट लिमिटेड, टॉप लाइट मर्चेंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कंपनी का अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें तो डेफिनेटली कंपनी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे देखिए हम नज़र डालते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहता हुआ देखने को मिला है हमको। तो देखिए यहाँ पे 31st March 2018 देखिए मिलियन में है, तो 34,706 मिलियन कंपनी का पहले आपको एसेट देखने को मिलती थी, जो बढ़ के अभी 51,051 मिलियन आपको रहती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी ईयर ऑन बेसिस आप देखिए काफ़ी बेहतरीन देखिए आपको करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू, तो जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 31st March 2018 में 39,203 मिलियन था, वो बढ़ के 46,845 मिलियन हुआ। फिर देखिए कोविड आया जिसके कारण इफेक्ट हुआ, फिर 43,953, और अभी आपको देखने को मिला वो उससे कम होकर 39,956 मिलियन। तो यहाँ पे कोविड की वजह से डेफिनेटली कंपनी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को मिला है लास्ट के दो क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पे साफ साफ देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन पहले कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही थी। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट पहले 5,280 करोड़ से बढ़ के 6,367 करोड़ हुआ, देन 3,403 करोड़ हुआ, देन अब आप देखने को मिल रहा है 4,563 करोड़। तो कंपनी जैसे देखिए कोविड से निकलती जा रही है, वैसे वैसे देखिए कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली रेवेन्यू में एक डिप आया, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। आपको देखने को मिला कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट हो, तो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़िया है।
अब दोस्तों अगर फाइनेंशियल्स पे देखें तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स आर वेरी गुड, बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए कोई ख़राबी नहीं है। जो आपको ये दो क्वार्टर देखने को मिले उसमें कोविड इम्पैक्ट हुआ, देन उसके बाद आप देखिए फिर से कंपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है, इसलिए देखिए प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला 4,560 करोड़ के आसपास। तो डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। अब कंपनी के देखिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं, कंपनी का आईपीओ प्रोसीडिंग्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है ये इशू लाने का, वो है दोस्तों रीपेमेंट। कंपनी ने देखिए जो पैसा ले रखा है, जो डेट है उसको देखिए कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है जो कंपनी यहाँ पे करना चाहती है। तो जो पर्पस है देखिए कंपनी का आईपीओ लाने का वो है डेट रीपेमेंट, डेट को देखिए कंपनी कम करना चाहती है यहाँ पे फुली या फिर पार्शली, और कंपनी के जनरल कुछ पर्पस है जिससे दोस्तों वो पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे श्याम मेटेलिक्स आईपीओ के डिटेल्स, कब आईपीओ खुलने वाला है। तो देखिए जैसे मैंने कहा मंडे को आईपीओ खुलने वाला है, और 16 तारीख तक देखिए ये आपको खुला हुआ रहता हुआ देखने को मिलेगा। बुक बिल टाइप का आईपीओ है, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखिए इसकी फेस वैल्यू तय की गई है। आईपीओ की जो प्राइस होगी दोस्तों वो 303 रुपये से लगाकर 306 रुपये पर इक्विटी शेयर होगी। आपको 45 शेयर मिलेंगे यहाँ पे, और आप दोस्तों जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो 45 शेयर होगा। और ये जो लिस्टिंग होगी दोस्तों वो BSE NSE दोनों पे की जाएगी। इशू जो किया जा रहा है वो दोस्तों करीबन 909 करोड़ रुपए का यहाँ पे इशू करा गया है, और फ्रेश इशू 657 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल OFS होता है वो करीबन 252 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाह रही है। तो कंपनी ऑन एंड ऑल अगर हम देखें तो करीबन यहाँ पे 1700 करोड़ के आसपास आपको ये IPO से पैसा जुटाना चाह रही है। डेफिनेटली कंपनी को इतना ज़्यादा खास बड़ा IPO भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको IPO चांसेस मिलेंगे आने के, लेकिन कह सकता हूँ कि इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको देखिए अवॉइड नहीं करना है, इसके अंदर अप्लाई करके चलना है, बिकॉज कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और अगर कोई भी देखिए कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको डेफिनेटली अवॉइड नहीं करना है, उसको अप्लाई करके रखना है। और आप देखेंगे कंपनी का लगातार देखिए प्रॉफिट डेफिनेटली आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी एक बार भी अभी तक घाटे में नहीं गई है। आपको कोविड की सिचुएशन आती हुई देखने को मिली, कोविड के बावजूद देखिए कंपनी ने बढ़िया किया। श्याम मेटेलिक्स डेफिनेटली बढ़िया कर सकता है। अब दोस्तों आप पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, या फिर टाइमलाइन तो देखिए मैंने आपको बता ही दी है। तो अब चलिए आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अब टाइमलाइन अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि आईपीओ 14 जून को चालू होने वाला है, 16 जून को ख़त्म होगा। अब अलॉटमेंट कब मिलेगा, देखिए अलॉटमेंट 21 तारीख को तय किया जाएगा, जून 21, 2021 को देखिए अलॉटमेंट डेट तय की जाएगी, अलॉटमेंट आपको मिलेगा। और फिर जो फंड आपको वापस मिल जाएंगे वो करीबन दोस्तों मिलेंगे 22 जून 2021 तक। देन आपको जो क्रेडिट होगा आपके डीमैट के अंदर वो 23 को लिस्टिंग हो जाएगी 24 जून 2021 को। तो 24 जून को दोस्तों इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी NSE BSE दोनों पर। और आपको दोस्तों 22 तारीख को अलॉटमेंट करीबन आ जाना चाहिए। 21 तारीख देखिए यहाँ पे दे रखा है, लेकिन अगर एक दिन बाद ही ऑलमोस्ट देखिए अलॉटमेंट आता है तो आप 22 मान के चलिए, और 22 या फिर 23 तक आपके फंड्स अगर आपको IPO नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या रिटेलर्स को पैसा लगाना चाहिए, सबको ने कहा तो डेफिनेटली रिटेलर्स यहाँ पे गुड अमाउंट में पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है। कंपनी का देखिए ऑर्डर बुक मुझे बढ़िया दिख रही है, कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बहुत ही पावरफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम IPO की साइज़ देखें तो करीबन 13,770 रुपये आपको एक क्वांटिटी के लिए पे करने पड़ेंगे, और 14 जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो जो 630 शेयर होंगे उसके लिए आपको करीबन 1,92,780 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो 13,770 रुपीज़ का देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, जिसमें आपको एक लॉट मिलेगा जिसमें करीबन आपको 45 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अब प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है देखिए कंपनी के अंदर, तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए यहाँ पे हो जाएगी करीबन 88%, यानी करीबन 12% स्टेक आपको कंपनी बेचती हुई देखने को मिल रही है अपनी। 12% देखिए इक्विटी के ज़रिए यहाँ पे कंपनी अपनी स्टेक निकाल रही है। पहले 100% थी इशू से पहले, अब देखिए इशू के बाद आपको करीबन 88.35%। तो डेफिनेटली अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर, या इससे दोस्तों साबित होता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। और यही मेरी देखिए सलाह होगी कि आपको खरीदारी करके ही चलना है। अब दोस्तों इसके GMP पे बात करते हैं, कितना GMP चल रहा है। तो दोस्तों देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर बात करें तो देखिए करीबन 11 जून 12:30 बजे तक आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जो चल रहा है वो करीबन 130 रुपये ऊपर चल रहा है इशू प्राइस से, यानी आपको 130 रुपये देखिए ऊपर मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो लगातार आपको देखिए यहाँ पे इशू साइज बढ़ता हुआ इशू का प्रीमियम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो करीबन जो 133-138 से चालू हुआ था वो डेफिनेटली 130 पे आया, लेकिन यहाँ पे IPO का जो प्रीमियम है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। यानी आपको पर शेयर करीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए तो 135 रुपये से लगाकर 150 रुपये के फ़ायदे के बीच में आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा।
अगर आपको IPO मिलता है तो डेफिनेटली देखिए ये काफ़ी बढ़िया आपको एक अमाउंट मिल जाएगा आफ्टर द IPO। तो खरीदारी करने की सलाह है, खरीदारी यानी आपको IPO में अप्लाई करने की सलाह है, बढ़िया IPO है। अब देखेंगे इसके PE मल्टीपल्स तो टाटा स्टील इन सबसे भी काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली आपको IPO के अंदर पैसा लगाने की राय होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।